राज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जोधपुर में सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह 25 जून को आयोजित कर रहे हैं। उसमें सभी धर्मों की गरीब कन्याओं का विवाह करवाए जाएंगे। उसके रजिस्ट्रेशन के लिए 5 जून 2018 तिथि निर्धारित की है। उसमें कन्याओं की तरफ से जोधपुर में हमारे हेड ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या बाड़मेर में आपका समुद्री सर्कल पे सावी नर्सिंग इंस्टीट्यूट पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सर, सिर्फ बाड़मेर और जोधपुर या जोधपुर संभाग के लिए ही ये जोड़े चयनित की जाएंगे या पूरे राजस्थान भर से? पूरे राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया, कहीं से भी कोई भी जोड़ा आ सकता है। क्या इसके लिए शर्तें क्या रखी है आपके द्वारा, क्या मापदंड होंगे जिनको लेकर? मापदंड ये है कि भाई, सबसे पहले हम प्राथमिकता देंगे जो अनाथ कन्या है, उसके बाद में पेरेंट्स में से जिसके पिताजी का देहांत हो गया, उसके बाद में जो जोड़े विकलांग है, और उसके बाद में जो गरीब हैं उनको हम लोग प्राथमिकता के आधार पर चयन करेंगे। अब लोग कुछ भी मसले उठाए वो स्वतंत्र है, पर मैंने जो चर्चा मेरी अशोक जी से कभी होती रहती है, मैं तो उस स्थिति में ये है कि अशोक जी ने जो दो योजनाएं शुरू की थी राजस्थान में, एक तो पशुओं के लिए जो फ्री दवाएं, और एक ये जो मेडिकल कैंप वाला है, उसमें से वो प्रेरणा है कि भाई एक गरीब की सेवा आम तक पहुँचे, एक गरीब को लाभ पहुँचे, बाकी इसका राजनीतिक कोई अर्थ नहीं है। और हम लोग विवाह समारोह में सभी जाति, सभी धर्म, सभी राजनीतिक पार्टियाँ, सभी सामाजिक संगठनों को आमंत्रित कर रहे हैं, सभी से सुझाव ले रहे हैं, और उस दिन भी सभी को बुलाएंगे। मैंने जब अभी जोधपुर के चारों सांसद, 10 MLA, 365 के करीब सरपंच, 37 जिला परिषद समिति सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, अब वो किस राजनीतिक पार्टी से हैं, उन सबको हमने एक चिट्ठी लिखी है कि आप इसमें सहयोग दीजिए, हमें जो योग्य जोड़े ढूंढने में मदद करें। राजनीतिक अर्थ इसका कुछ नहीं, मैं व्यक्तिगत प्रभावित था, ये बात इसलिए आ गई। बाकी सामूहिक विवाह का ये भी अर्थ निकाला जा सके कि दहेज के बिना कोई शादियाँ जो होती है वो एक प्रेरणा जो समाज में पैदा हो, ये दहेज नहीं हो, कोई जाति पड़ताल नहीं हो, कोई धर्म का आपस में विवाद नहीं हो, लोगों में आपस में कैसे इकट्ठे होके एक साथ शांति से कैसे रहे, ये उद्देश्य। कैसे विवाह होगा, क्या जैसे कोई अलग अलग धर्म से आएंगे तो उनके लिए क्या उनकी धार्मिक परंपराओं की अनुसार? बिल्कुल बिल्कुल, सभी धर्मों, सभी जातियों के लिए उनकी धार्मिक परंपरा के अनुसार, उनके रीति रिवाज के अनुसार, उनकी भावनाओं को देख के ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि सभी धर्मों के अपने अपने रीति रिवाजों की पालना। प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन है? हाँ, हमारी तरफ से प्रथम है, पर मैंने ऐसा जोधपुर में या आसपास कभी सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह का संस्था की ओर से पहला।